किसान साथियों, मैंने जब ये खरीदा था तो मैंने काफी जांच पड़ताल करने के बाद में ये खरीदा था। और इस टीलर को खरीदने के पीछे, ये जो स्प्रे मैन का टीलर है, मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, जो इसे प्लस पॉइंट था, वो था कि इसमें ये होंडा का। लेकिन इसमें मुझे कुछ कमियां नजर आई और उन कमियों को दूर कैसे करेंगे मैं आपको आज ये बताऊंगा। और इसमें क्या ऐसी कमी है जो आप दूर नहीं कर सकते, मैं वो भी बताऊं। किसान साथियों, इसे ध्यान से देखिए। इसमें यहां से ये स्टार्ट करते हैं, इसको खींचते हैं, एक ये छोटा पहिया भी दिया गया है। ये इसका पेट्रोल का टैंक है, ये एयर फिल्टर है इसमें, और ये इसका कार्बोरेटर है। अब इसमें समस्या क्या शुरू हुई हमारे सामने, जब हमने इसको असेंबल किया था तो जो इनकी वेबसाइट पर वीडियो है इसे असेंबल करने की, वो इस इंजन के अनुसार नहीं थी। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ चीजें इसकी, जैसे ये नट है, जैसे यहां के नट है, इनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। ये आप देखिए, इसको आप करेंगे तो इन पे जंग भी आया हुआ है, जबकि जो अच्छे नट होते हैं, ये देखिए, इनको देखिए, अच्छे नट होते हैं, उन पर कभी जंग नहीं आता। शायद इन्होंने कोस्ट कटिंग के लिए ये की थी, और ये हमारा एक बार ये टूट भी गया था, हम दूसरे नट लाए थे। इसी प्रकार ये देखिए, इसमें भी नट लगे हुए हैं, ये जंग आ गया है इनमें, जो कि इसकी घटिया क्वालिटी का प्रमाण है, जबकि यहां पर कोई भी जंग नहीं है। ये मैं इसकी अच्छाई और जो कमियां हैं जो दूर की जा सकती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब हमें सबसे बड़ी कमी इसमें क्या नजर आई, जब हम इसे स्टार्ट करते थे, जो पहली कमी आई, तो इसकी रेस बहुत तेज रहती थी। हमने जैसे ही उनसे बात की, स्प्रे मैन वालों से, उन्होंने हमें टेक्निकल टीम के साथ जोड़ दिया, और उसने इस ढंग से मेरे से बात की कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे बात की कि जैसे वो मेरे को धमका रहा हो। मैंने कहा, भाई ठीक है, चलो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। फिर मैंने इसके जो मालिक थे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक चीज भेजी जो मैंने इसमें लगाई। बड़ी सिंपल सी चीज थी कि ये जो वायर था, ये वायर, इस वायर को देखिए, यहां पे एक लीवर लगा हुआ है, ये रेस है। जब भी हम वहां से रेस खींचते हैं तो ये वायर ऐसे चलता है, जैसे रेस बढ़ाते हैं तो ये वायर ऐसे चलता है। अब इसमें दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है अंदर की तरफ और एक ये है। तो हमारा क्या हो रहा था कि जैसे मैं इसको दबा दूं तो ये स्प्रिंग तो चल रहा था और ये सेकंड वाला कुछ नहीं हो रहा था इसका, और इससे रेस पूरी की पूरी, ये अधिक रेस लेकर, जैसे यहां लेकर ये सेट हो गया, ये ऐसे, ये देखिए, जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा ये दोनों चलेंगे, ये देखिए। ये अब मैं यहां से इसे दबा लेता हूं तो वो सिर्फ स्प्रिंग चलता है। तो हमारी समझ में ये नहीं रहा था कि ये क्यों रेस ले रहा है। अब इस समस्या के लिए हमें इन्होंने कहा कि आप किसी लोकल, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करते हो, उनके पास चले जाइए। हमने उन्हें बुलाया, उस दो लड़कों को बुलाया, उनकी समझ में नहीं आया। पेचकस से ऊपर नीचे करते रहे, कभी ठीक हो जाए कभी ना हो जाए, चलिए हम परेशान हो गए इसमें। अब क्या हुआ, उसके बाद में जो मेरा कार्यकर्ता, उससे भी एक गलती हुई, वो तेल का सही तरीके से चेक नहीं कर सका। अब इसमें देखिए, ये ध्यान से आइए, इसमें इस तरफ जो आपके दाई तरफ है, इसमें दो तेल के ये डालने के और चेक करने के स्थान है। ये जो ये है, ये आपका गियर ऑयल है, ये जो पीछे का रेड पोर्शन है, यहां पर ये गियर ऑयल है। तो आप यहां से इसे खोलिए और इसको गियर ऑयल यहां पर डालिए। इसमें एक लेवल है जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि हमें कहां तक डालना है। ये जो है इंजन ऑयल, इससे आप यहां से इंजन ऑयल डालना है, और ऐसा ही इस इंजन के दूसरी तरफ है। ये देखिए, ये वाला जो सफेद वाला है, इससे आपको चेक करना है। अगर आप इसे खोलेंगे, खुल जाएगा, खोलने के बाद इसे चेक करना है। लेकिन हमारे को क्या समझ में आया, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, एक तरफ से डाला और एक तरफ से तिरछा कर निकाल लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका इंजन ऑयल निकालने के लिए ये नट है एक, यहां पर ये देखिए,
जहां पर कोई भी कुछ निशान नहीं लगा हुआ, न किसी को पता चलेगा, ये वाला नट है, इन दो के बीच में, इस नट को खोलिए और आपका सारा इंजन ऑयल बाहर आ जाएगा और इसको आप तिरछा कर दीजिए, ये निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा ये, एक बार मैंने हर्ष जी से बात की और मुझे पता चला कि इसके पिस्टन बैठ गए, रिंग बैठ गए। मैंने पैसे दिए, उन्होंने मेरे को पैकेट भेजा रिंग और जो भी उसके लिए सामान था। मैंने जो मोटरसाइकिल ठीक करते थे उसे दिए, उन्हें दिया, और उन्होंने इसको खोल तो लिया, उन्हें बांधना मुश्किल हो गया इसको। खैर जैसे तैसे करके लाए तो हमारा ये चलना शुरू हो गया, लेकिन रेस की समस्या उनकी समझ में से बाहर रही। अब हमने क्या किया कि जब हमने अपनी बुहाई करी और इसको खड़ा कर दिया, तो एक दिन मैंने देखा कि इसमें यहां से तेल टपक रहा है। ये देखिए कि यहां से तेल टपक रहा था। यहां पर ये गियर ऑयल होता है और इसमें यहां पर ऑयल सील होती है, दो ऑयल सील होती है, वो कट गई थी और धीरे 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 ये निकल रहा था। अब मेरा बेटा आया जिसे मैं ये थोड़ा काम सिखा रहा हूं, और मैंने उससे कहा भाई इसका कुछ समाधान ढूंढो। उसने क्या किया कि वो सहारनपुर जाता रहता है और उसने इसका पता करना शुरू किया। तो उसे एक इंजन की दुकान मिली, तो उसने कहा कि वो अपना ब्रश कटर था जिसे ठीक कराने गया, और वहां पर उसे पता चला कि इसके मिस्त्री बिल्कुल अलग होते हैं। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपके पावर टीलर में कोई समस्या आती है तो किसी भी मोटरसाइकिल वाले को नहीं दिखाएंगे। हर शहर में आपको इसका मिस्त्री मिल जाएगा, और जो लोग इंजन की सर्विस करते हैं शहरों में वो इसको भली भांति जानते हैं। अगर आप सहारनपुर के आसपास कहीं रह रहे हैं तो मैं भी आपको एक दुकान बता सकता हूं, और मैं अब इससे खुश हूं। जो घंटाघर से रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाती है, रेलवे रोड, वो पूरी मशीनरी की है। उसमें एक मिलाप मशीनरी स्टोर है, उसकी बराबर में एक गली जाती है, उसमें एक लड़के की दुकान है, करण एंटरप्राइजेस, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत अच्छा लड़का है, और वो इसके बारे में बहुत ज्ञान रखता है, और वो इस प्रकार के प्रोडक्ट बेचता भी है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदते हुए ये ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उसकी सर्विस आपके डोर स्टेप या आसपास अवेलेबल है। किसान साथियों, आपको याद होगा मैंने एक F300 होंडा का पावर टीलर लिया, उसमें मुझे कभी कोई समस्या ही नहीं आई इस तरह, और इसमें तार की समस्या आएगी आपको जरा सा हो गया, कभी क्लच की समस्या आएगी, कभी इसमें आपको तेल की समस्या आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, और इसको ठीक करने के लिए आपके पास कोई नहीं। मुझे जो होंडा का वो था पावर टीलर था, थोड़ा महंगा जरूर था, मतलब अगर दूसरे से कंपेयर करो तो करीब दुगना महंगा होता है, लेकिन आप एक बार लेकर आराम की नींद सो सकते हैं किसी को भी। चलिए खराब ये भी नहीं है, लेकिन इसकी सर्विस की बहुत बड़ी समस्या है। जब भी खराब होगी आपको कंपनी में फोन करना होगा, कंपनी वाले आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, जो मालिक है उनके पास समय नहीं होगा, और आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आपको कहेंगे ये पार्ट्स मंगा लो, किसी इंजन वाले को दिखा लो। अगर कंपनी को इस प्रोडक्ट को ध्यान रखना है तो इसका सर्विस सेंटर या किसी से भी उन्हें वहां पर बात करनी होगी, और हर शहर में इसका सर्विस सेंटर होना चाहिए जहां पर आदमी जाकर अपनी ये करवा ले। एक ये बहुत बड़ी समस्या थी, जब भी मेरा कार्य करते होने वाला इसको करता था, तो जैसे ही ये रेस दी, यहां पर रेस दी, उसने फुल रेस कर दी चलाने के लिए, तो ये रेस जब इधर डाउन करता था तो ये पूरी ही रेस रहती थी, और इसको कम करने के लिए उसे यहां पर आना पड़ता था। ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब आइए इसमें कार्य करते टाइम क्या सावधानी और बरतनी है वो मैं दिखाता हूं। किसान साथियों, ये इसका एयर फिल्टर है। जब भी आप लगभग इसे 15-20 घंटे चला लें, आपको लग जाए 3-4 दिन के बाद, आप इसे खोलिए और इसे खोलकर एक तरफ रखिए, और इसमें आपको एक एयर फिल्टर मिलेगा।
आप इसे एयर फिल्टर को पेट्रोल से या किसी ऐसे ऑयल से धो दीजिए या साबुन के पानी से साफ कर दीजिए अच्छी तरह, और इसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद फिर इसको रिप्लेस करिए, और रिप्लेस कर इसको यहाँ पर ढक दीजिए और इसको बंद कर आप इसको चलाइए। ये बहुत आवश्यक कार्य है आपको करने के लिए। जो हमें इसमें रेस की समस्या मिली वो समस्या थी इस वायर की, ये जो बड़े वाला वायर है ये वायर यहां पर फंस गया था इस टंकी के नीचे। तो जब हम गए और इसमें काफी हमने जद्दोजहद की तो हमें पता चला ये यहां पर फंसा हुआ था और इससे रेस हमेशा रहती थी, तो बार बार इसे ऊपर नीचे कर ये कभी निकल जाता था, तो हम सोचते थे इसके लीवर में प्रॉब्लम है, जो कि नहीं प्रॉब्लम थी। किसान साथियों, एक अति महत्वपूर्ण बात जो उस लड़के ने हमें बताई है, उसने बताया है कि आप इसे कब कब प्रयोग करते हैं। हमने कहा हम तो इसे 3-3 महीने भी रख देते हैं उसके बाद करते हैं। कहते नहीं, आपको कम से कम सप्ताह में एक बार इसको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप इसे प्रयोग कर थोड़ा बहुत चलाएं, कहीं भी बुहाई करें या थोड़ा करें, कम से कम 15 मिनट इसको जरूर चलाइए। उससे क्या होता है कि जो आपके पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयल का प्रवाह होता है और वो ठीक रहते हैं। ये बात बताई। एक बात हमें और बताई कि ये देखे जब हम इसे प्रयोग नहीं करते तो इनमें जंग आ जाता है, ये इसका सही हिस्सा है इधर, तो उसने कहा कि इनको या तो मेरे पास ले आइए या जो आपकी धार खुरपे अरिये बनाने वाले होते हैं इसे थोड़ा सा यहां से इसे साफ करिए और इस धार को लगाइए और इस पर आप ब्लैक कलर कर रख दीजिए अच्छी तरह से कि ये धार साफ कराइए, उससे आपके इंजन पर कम असर होगा और बुहाई बहुत अच्छी होगी। किसान साथियों, ये थी मेरी पावर टीलर के बारे में, आप किस प्रकार देखभाल करें और क्या सावधानी बरतें और किसके पास इसे ठीक करने के लिए ले जाएं, इस बात पर वीडियो। चलने में बहुत अच्छा है, सब चीज है, लेकिन इसकी कोई मैनुअल या इसके बारे में कोई इस प्रकार की सर्विस कोई भी कंपनी ले लो उसके द्वारा नहीं है। तो मैं ये देखता हूं कि कोई भी पावर टीलर खरीदने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास इसकी अच्छी कौन सी एजेंसी है जिसपे के इसकी सर्विस हो सकती है। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।